सर, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो गोरखपुर से लखनऊ के बीच लॉन्च हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखा रहे हैं, क्या खास बातें हैं इस ट्रेन में? आज माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर में दो पेयर वंदे भारत ट्रेनों का शुभारंभ कर रहे हैं, जिसमें से एक पेयर है गोरखपुर और लखनऊ के बीच वाया अयोध्या, और दूसरा पेयर है जोधपुर से अहमदाबाद के बीच। जो वंदे भारत गोरखपुर से अयोध्या होते हुए लखनऊ जाएगी, वो ये दूरी लगभग 4 घंटे 15 मिनट के समय में पूरी करेगी। जो इस रूट पर हमारी जो फास्टेस्ट ट्रेन है उसके कंपैरिजन में लगभग 2 घंटे का समय बचत करेगी, और इसके टाइमिंग भी बहुत कन्वीनियंट है। ये ट्रेन सुबह 6:05 पर गोरखपुर से चलेगी और 10:20 पर लखनऊ पहुंचती है, शाम को 7:15 लखनऊ से चल के रात को वापस गोरखपुर आ जाती है। इट विल सेव अबाउट 2 hours कम्पेयर टू दी फास्टेस्ट ट्रेन ऑन दिस रूट जी। तो इस प्रकार से कोई यदि यहाँ से इस क्षेत्र से जा कर के लखनऊ में अपना दिन में काम करके वापस आना चाहे तो वो भी संभव है। तो इस प्रकार से ये ट्रेन जो धार्मिक दृष्टिकोण से जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है गोरखपुर और अयोध्या, उनको प्रदेश की राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी, और निश्चय ये बहुत ही उपयोगी सेवा होगी इस क्षेत्र के पूर्वांचल के लोगों के लिए और इस पूरे क्षेत्र के लिए। जो दूसरी ट्रेन जोधपुर से अहमदाबाद के बीच में, वो अपनी दूरी 6.25 घंटे में पूरी करेगी, जो उस रूट की फास्टेस्ट ट्रेन के कंपैरिजन में लगभग 1 घंटे का समय में बचत करेगी। तो इन दोनों पेयर्स को मिलाने के बाद हमारी इस प्रकार से पूरे देश में 50 वंदे भारत सेवाएं प्रारंभ हो जाएंगी। इसके अलावा आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी गोरखपुर स्टेशन के पुनर्निर्माण का भी शिलान्यास करेंगे। जो ये प्रोजेक्ट लगभग 500 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, और इसमें पूरे भवन का नया निर्माण किया जाएगा। इसका जो आर्किटेक्चर है वो यहाँ की जो धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए उस आधार पर इसका आर्किटेक्चर बनाया गया है। साथ ही इस पूरे स्टेशन के परिसर का भी पुनर्विकास किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर मल्टी स्टोरी कमर्शियल डेवलपमेंट करके होटल्स, ऑफिसेज और रिटेल, रेस्टोरेंट्स आदि की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। हमने यहाँ पर जो फ्यूचर में मेट्रो प्लांट है उसको भी इस स्टेशन से जोड़ने का प्रावधान रखा हुआ है। जो ISBT यहाँ पर दक्षिण दिशा में है उससे भी इसकी कनेक्टिविटी का प्रावधान रखा है। इस प्रकार से ये स्टेशन कुल मिलाकर यात्रियों के लिए बहुत ही सुविधाजनक हो जाएगा, जिसमें विश्व स्तरीय सुविधाएँ यात्रियों को यहाँ पर मिल सकेंगी। यहाँ पे हम स्टेशन के ऊपर एक बृहद रूफ प्लाजा भी प्रोवाइड करेंगे, तो जो पैसेंजर्स जिनको प्रतीक्षा करनी होती है वो उस रूफ प्लाजा में वेट कर सकते हैं, और उस रूफ प्लाजा में सभी यात्री सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जहाँ वो वेट कर सकते हैं, और जब ट्रेन आएगी तो उसी से उतर के नीचे डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। कि आज 3 ट्रेनें चलाने वाले थे, लास्ट मोमेंट पे ऐसे क्या हुआ कि एक ट्रेन को कैंसिल किया? और दूसरा सवाल ये है कि वंदे भारत में जो लो ऑक्यूपेंसी का मामला चल रहा है कि हम फेयर कम करने वाले हैं, इस पे क्या कहना है? नहीं, ऐसा देखिए ऐसा कोई इशू नहीं है लो ऑक्यूपेंसी का, और हमारी जो वंदे भारत सर्विसेज हैं सभी लोकप्रिय हैं।